नमस्कार, मैं हूं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम आपसे बात करेंगे PGCIL, CSPHCL, IRCON, ATE, PFO, NIACL, कर्नाटका हाई कोर्ट, TNPSC, ऑयल इंडिया, LNMU, INCOIS, NPCIL और CGPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिप्लोमा ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 26 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रिकल या सिविल का होना अनिवार्य है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा रेलेवेंट डिसिप्लिन में 70% अंकों के साथ होना अनिवार्य किया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 27 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD EXSM को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹300 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 18 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.powergridindia.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड CSPHCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है अटेंडेंट लाइन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1500 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को ₹300, SC ST को ₹200 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 20 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.cspdcl.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 32 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल या SNT तय की गई है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 13 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ircon.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे असम टी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ATE PFO की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 25 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 38 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST को ₹200 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹300 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप ATEPFO.IN पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 300 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 60% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST PWD को ₹100 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹750 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट बैंगलोर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सेकंड डिवीजन असिस्टेंट SDA। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 142 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास BBA या BCOM या BCA या BSc या BA 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल तय की गई है। वहीं UR OBC को ₹350 देने होंगे। SC ST PH को ₹200 आवेदन शुल्क के में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 24 सितंबर 2021 तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.karnatakajudiciary.kar.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन TNPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर Grade 2 APP। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 50 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास LLB वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ जो कि 5 साल का होना चाहिए वकील के तौर पर और इसके साथ ही साथ तमिल लैंग्वेज का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 34 साल तय की गई है। वहीं इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को इन पदों के लिए ₹450 एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करने होंगे।
आखिरी तारीख 24 सितंबर 2021 है। 24 सितंबर 2021 से पहले योग्य उम्मीदवार www.tnpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड डिब्रूगढ़ की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ग्रेड 3 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 535 है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉयलर, सिविल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सर्वेयर, वेल्डर, आईटी। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं कक्षा या 12वीं पास होना, इसके साथ ही साथ 2 साल का कोर्स रेलेवेंट ट्रेड में किया होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 30 साल तक की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी को ₹200, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी ईएक्सएसएम को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 23 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.oil-india.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा बिहार की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है गेस्ट फैकल्टी पार्ट टाइम टीचर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को कर रिक्तियों की कुल संख्या 602 है। जहां तक विषय की बात है तो हिंदी, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फिलोसफी, पर्शियन, म्यूजिक एंड ड्रामा, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स और कॉमर्स है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इसके साथ ही पीएचडी डिग्री और यूजीसी नेट पास होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 55 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ईबीसी बीसी को ₹1,000, एससी एसटी पीएच को ₹750, प्रोसेसिंग फीस ₹50 एक्स्ट्रा आपको देना होगा। इसके साथ ही अगर हम आखिरी तारीख की बात करें तो 16 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.lnmu.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन INCOIS की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 83 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो लगभग 45 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 22 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप incois.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 107 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ITI रेलेवेंट ट्रेड में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो 14 से 24 साल के युवा इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 27 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप npcilcareers.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन CGPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 24 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री वेटरनरी साइंस में और एनिमल हस्बेंड्री में होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल के युवा इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी जो कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उनको ₹300 और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को ₹400 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 15 सितंबर 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।